ये बात तो ठीक है। चलो भाई देखो, अब लॉकडाउन तो ओवर हो गया तो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। आशा जी, आपको पता है राहुल कह रहा था कि कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन मैंने इसे साफ साफ कह दिया कि बड़े बुजुर्गों की भी सुननी पड़ेगी। सही कहा आपने, अग्नि और सात फेरे के बिना कोई शादी होती है? हाँ। अच्छा आंटी, आप क्या लोगे? आंटी नहीं, मम्मी बोलो। हाँ, आदत डाल लो अब, मैंने तारा से भी यही कहा था। वैसे आंटी, मामा तारा और मैं यही बात कर रहे थे that we wanted to keep it small, you know, less than 50 people if possible. नहीं, शादी तो धूमधाम से होगी, आप बस अपना गेस्ट लिस्ट दे दीजिएगा, अभी शॉपिंग भी तो बाकी है। हाँ वो तो ठीक है, लिस्ट का बाद में देख लेंगे, पहले डेट तो तय करें। पंडित जी ने तीन मुहूर्त दी हैं, उसमें से आप एक चुन लें, या अगर आपका कोई पंडित है कुंडली मैच कर लें। ऐसा है आशा जी कि हम लोग पंडित और कुंडली वगैरह में विश्वास नहीं रखते, जो आपको ठीक लगे आप करें। If you ask me, बस वेदर ही अच्छा होना चाहिए। Should be a winter wedding. What say तारा? I think winters are the best. गाजर का हलवा भी होगा मेन्यू में। बिल्कुल ठीक है, चलो फिर मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ एक मिनट, एक मिनट, आप बैठो, आप लोग बातें करो, मैं लेकर। फाइनली, कितना अनरियल लग रहा है ना सब कुछ। सुन भी रहे हो तुम? तुम्हें चाय भी नहीं डालने आती? अभी से शादी हो जाने दो, मुझे करेक्ट करने का लाइसेंस उसके बाद मिलेगा। वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि शादी के बाद चाय तो तुम ही बनाने वाले हो। चाय तो तुम ही बनाओगे। ये बच्चे भी ना। अरे भाई, तुम लोग चाय बना रहे हो या उगा रहे हो? बिल्कुल ठीक कहा। लो जी चाय भी आ गई। थैंक यू बेटा। चलिए जी, शादी तो पहले ही तय हो चुकी है, अब डेट भी फाइनल कर ले। हाँ 6 नवंबर शुभ है, कैसा रहेगा राहुल? साउंड्स ग्रेट। एनी डे इज गुड। चलो वेरी गुड, 6 नवंबर तय रहा। तुम मुँह मीठा करें। हाँ, रोके का फंक्शन हो नहीं पाया लॉकडाउन की वजह से, तो ये कुछ चीजें आपके और राहुल के लिए, थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं। थैंक यू। लो राहुल तुम्हारे लिए। आंटी, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, प्लीज। तारा, व्हाई डोंट यू से समथिंग? कोई बात नहीं राहुल, डजंट मैटर, आफ्टर ऑल तारा इनकी इकलौती बेटी है, अब नहीं करेंगे इसके लिए तो कब करेंगे? सही कहा आपने, राहुल जैसा लड़का नसीब वालों को मिलता है। और तारा जैसी बहू? अब मुझे समझ में आया, तारा ये चाहती हैं कि हम इनकी बेटी को अपने घर में बहुत खुश रखें, इसीलिए आप हमें ये रिश्वत दे रही हैं? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, तारा हमारे घर का हिस्सा बनने जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे राहुल आपके घर का हिस्सा बनने जा रहा है, ठीक है ना? और ये जो दोनों बच्चे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आई डोंट थिंक इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप ये दहेज लेकर सिर्फ हमें ही नहीं, इन दोनों बच्चों को भी शर्मिंदा कर रही हैं। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन रिश्ता पक्का करने के लिए हम लोग खाली हाथ तो नहीं आ सकते थे ना, तो ये दहेज नहीं, गिफ्ट है, शादी की रीति रिवाज है। रीति रिवाज? तो अब आप दहेज को गिफ्ट्स और रीति रिवाज का नाम देकर गलत को सही साबित कर रही हैं, है ना? देखिए, जब तक हम लड़के वाले हंसकर गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते रहेंगे ना, लड़की वाले दहेज को गिफ्ट्स और रीति रिवाज का नाम देकर जस्टिफाई करते रहेंगे, ये तो गलत है ना? और इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों? वी नीड टू बी द चेंज वी वॉन्ट टू सी, है ना? तो अब आप ये शगुन के पैसे और गहने, ये आप अपने घर वापस ले जाइए। और जहाँ तक शगुन का सवाल है, तो हम अभी मुंह मीठा करेंगे, मिठाई से बढ़िया शगुन और क्या हो सकता है, है ना? लो बेटा, सबसे पहले ले लो।
we should be the change we want to see. And the change can only happen if you take a stand. So if you agree with us, like, share and comment. And subscribe to Life Tak.